स्टीम चिकन लेके आए असी ते लोकां ने काफी लाइक कीता यार भली बाल ही नहीं सेट आ रहे जल जल लाया करो भाजी जड़ी मैं वैक्स लाना ना मेरे बालों ते मैं लगदा सेट ही नहीं रहंदी यार अगर आप कोई वैक्स या क्ले यूज करते हो और अच्छी लगती है आपको तो मुझे बता दो यार मेरे बाल सेट ही नहीं हो रहे देखो कैसे उड़ते रहते हैं देखो धोखा खाना पहियों पे एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है मैं हूं आपका अपना हरिया मेरे साथ है हर्ष पाजी और आज हम आए हैं नवजोत फ्रेश चिकन पे आइए पहले इनसे ही बात करते हैं पाजी रिपोर्टर लगूंगा ना ये है स्टीम्ड बारबेक्यू चिकन ये है स्टीम्ड स्टीम चिकन और ये है स्टीम्ड की नाम है स्टीम्ड कबाब ये मटन भी है चिकन भी है और पहले इसकी कहानी सुन के आओ ये कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ और क्या आइडिया था इसके पीछे हमने नवजोत पाजी से बात करी है उनकी कहानी सुन के आओ फिर यहीं पे मिलते हैं नवजोत चिकन एक मेरा बड़ा आज तो 10-11 साल पहला मेरा एक सपना सी मैं ना फर्स्ट टाइम जब गया थाईलैंड तो मैं देखा उत्थे लोग काफ़ी फिट ने तो मैं सोचा चलो असं भी जिम करते जिम सी बॉडी अच्छी सी हूँ चलो नहीं है गई तो उदो सोचा चलो अपने इंडिया के पंजाब और लुधियाने जिथे मैं रहना वा ये चीज़ है ही नहीं तो कोशिश करिए कि इस चीज़ को मतलब कि लैके आईए कि लुधियाने चर से स्टीम चिकन लैके आए असी तो लोगों ने काफ़ी लाइक किया अज वाहिगुरु की कृपा नाल थोड़े सामने ही आ कि बल्ले बल्ले आ जी रेसिपियां सारियां भाजी पहला उतो जितो आप कवर किया वा काम सीखा वा उ सारा किया वा बाकी रेसिपी तुम पता ही है मैं प्रोपर तुम दस नहीं सकता है मैरीनेशन जड़िया होंगे ने अदरक दियाँ लसन दियाँ यह होंदिया ने बाकी कई मसाले इदा के पेंदे ने घट्टो घट ज़्यादा नहीं तो बड़ी लंबी यदि हैगी रेसिपी तो कई जड़े बच्चे मसाले पेंदे ने इंपोर्टेंट भी है ये मेरा राज आ अगे असी ओनली स्टीम चिकन शुरू किया हूँ स्टीम के नहीं कोई वरायटियां शुरू करती कि बंदा बोर ना हो खा के असी फ्लेवर देने शुरू करते हैं जिमें कि सर वो एक मैं बारबेक्यू स्टीम चिकन लॉन्च करता वो है वा कि बारबेक्यू स्टीम चिकन जरा जिमें लोगों ने बारबेक्यू चिकन खाधा वो विदाउट बटर और विदाउट ऑयल तो बिना बनता ही नहीं पर असी उन्हूं कुछ होर चेंज करता है उन्होंने असी विदाउट बटर विदाउट ऑयल उन्होंने स्टीम च तैयार किया कोशिश यही रही है कि वो चीज़ लाइए कि गाहकों को वध तो वध पसंद आवे क्योंकि गाहक साढ़े भरा ने 2011 दे विच जदों असीं पहले काम शुरू किया वो असीं अगे LIC दे कोल किया सी ते छोटी जी रेडियो उस इस टाइम भी साढ़े कोल हैगी आ ते साडी लक्की रेडियो तो उत्थों काम शुरू किया सी पर वाहिगुरु ने सानू हुण देखो छत देती है ते खड़े हाँ मज़े लै रहे हैं जी असी दोपहर नूं मतलब कि लंच भी करवाईदा वा जिहदे विच ब्राउन राइस चिकन बिरयानी मतलब कि वह भी प्रोपर असी स्टीम च कवर की हाँ तकरीबन लोगों को मेरे हिसाब ना लोगों को कुकर च नहीं बनती पर असी कृपा है बस दाता सब नूं दवे सानू खुशी है क्योंकि एक जिहड़ी चीज़ की जिवें कॉपी कोई आम चीज़ की कॉपी तो होंगी नहीं हैगी कॉपी हमेशा एक ब्रांड की होंगी है सानू गर्व है कि साडा किसी ब्रांड नाल घट नहीं है नवजोत भाजी केड़ी की ला रहे हो तुसी साडे लई मैं थोड़े लिए थोड़ा जहा चिकन पेश करन जा रहे हैं क्या बात है जी टेस्ट के लिए हमारे लिए नवजोत भाजी हमारे लिए ये लगा रहे हैं बारबेक्यू स्टीम चिकन ओके एंड ये आ गया जी स्टीम चिकन क्या बात है जी और इसके साथ एक छोटा सा ये क्या है भैया चेस्ट स्टीम चिकन ब्रेस्ट है ये स्टीम चिकन लेग है साथ में थाई है और ये स्टीम्ड बारबेक्यू चिकन थाई और लेग है चिकन इतना ज़्यादा टेंडर है कि हाथ लगाते ही टूट रहा है लुक दैट भाजी कितनी देर मैरिनेट कर दें तो लग के जाता 4-5 घंटे सो 4 या 5 घंटे की कम से कम मैरिनेशन है एंड इट लुक्स वेरी जूसी इट्स अमेजिंग इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं ये अलग टेस्ट है वो अलग टेस्ट है ये स्टीम सीख कबाब ये चिकन है या मटन है चिकन मटन अच्छा सो ये स्टीम चिकन कबाब है ये स्टीम्ड मटन कबाब है एंड लाइए सर प्लीज सर्व करिए वाह जी वाह और चाट मसाला लच
तो जी लोकेशन समझ लो, वो उधर बस स्टैंड है, बस स्टैंड से जब आप ये रोड आओगे शामनगर वाली, ये शामनगर वाली रोड है, इस रोड पे थोड़ा सा ही आना है, और ये है जी नवजोत चिकन, ये है नवजोत फ्रेश चिकन एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस फॉर स्टीम चिकन। गूगल मैप्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे देख लेना प्लीज। आज दोनों ने सनग्लासेस लगाई हैं, हमने धूप बहुत तेज है, और बात ये है कि ये नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरू करें। मैं नवजोत चिकन पे आता रहता हूँ, एवरी वंस और ट्वाइस अ वीक मैं यहाँ पे खाता हूँ, बिकॉज स्टीम चिकन है, टेस्टी बहुत ज्यादा है। एक तो सबसे पहले ये देखो यार, ये प्रॉपर बारबेक्यू चिकन का तरीका है, ऊपर स्किन है बारबेक्यू चिकन जैसी, एंड इट लुक्स डिलिशियस। लेट्स डू अ टेस्ट टेस्ट, आई विल स्टार्ट विद द स्टीम्ड बारबेक्यू चिकन। हियर्स अ बाइट। मैरिनेशन जिहड़ी कीती ना, मैरिनेशन बहुत टेस्टी कीती यार, मसाले बिल्कुल अंदर तक गए ने। जो बारबेक्यू चिकन होता है ना, उसकी स्किन का क्रिस्प होता है, एंड उसका जो फ्लेवर होता है ना, बेसिकली उसको लो हीट पे लगातार पकाते रहते हैं, ये एग्जैक्टली वैसे ही कुक किया हुआ है, स्टीम्ड बारबेक्यू चिकन। वाओ, दिस इज डिलिशियस यार। जो पाजी ने बोला ना, जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि चिकन के एकदम लिटरली हड्डी तक फ्लेवर घुसा हुआ है। When you reach the bone, तब भी आपको फ्लेवर आ रहा होगा। चिकन पास है, सारे नंबर लगे, है ना पाजी? भैया मैं नंबर ले गया, मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया। जो लुक है ना चिकन की, बारबेक्यू चिकन की, वो लुक में भी थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द स्टीम चिकन, एंड मुझे नहीं लगता कि बिना तेल के और मक्खन के कोई भी बारबेक्यू चिकन बना रहा है स्टीम के साथ। ये है जी इनका मटन कबाब, आपके पास ऑप्शन है मेयोनीज चाहिए नहीं चाहिए, और ये है साथ में इसके मिंट चटनी एंड मटन सीख कबाब। दिस इज वेरी सटल, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है, फ्लेवर काफी अच्छा है, जिंजर गार्लिक ऑन द टॉप। मेरे सामने तो बिल्कुल राइट चीज है, जो डाइटिशियन ने बनाया होगा, जो सोच के मसाले बिल्कुल लिटरली बहुत लाइट लाइट जो रखे हैं, यानी पेट में। अगर सच्ची बात बोलूं ना, तो आपके अगर आप बच्चों के साथ आओगे, बच्चों को सीख के बाद बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत इजी है चबाना एंड बहुत ही माइल्ड है। नाउ इज द टाइम फॉर द स्टीम चिकन। ये वो चीज है जिसने नवजोत चिकन वालों को एकदम से लुधियाना में एक कल्ट बना दिया था, एक पॉपुलर फूड जॉइंट बना दिया था, एंड लेट्स डू अ टेस्ट टेस्ट ऑफ दिस। मैं यहाँ पे बहुत ऑफन खाता हूँ, पाजी को आज पहली बार लेके आया हूँ, तो जो पाजी का ओपिनियन है ना वो ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये लुधियाना का बेस्ट स्टीम चिकन है, मेरे हिसाब से, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, अगर आपका ओपिनियन अलग है तो आई रिस्पेक्ट दैट, बट दिस इज लुधियाना बेस्ट स्टीम चिकन। टेस्टी यार, ऊपर जो मसाला भी लाया ना मैं, वो भी वक्रा बोलता पाया, नजारा यार वाकई। तो मेन गल यार देखो ना, बहुत सोहना लगता पे, प्लेट च पिया ना एकदम जूसी, एकदम टेंडर। बहुत सारे लोग ये स्टीम चिकन बनाने लग गए हैं, पर जो इनकी ना रेसिपी शायद सेम होगी, बट इनका ना बनाने के तरीके में कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से द चिकन इज वेरी जूसी, वेरी टेंडर। ज्यादा करके जब आप स्टीम चिकन खाते हो ना, तो वो चूई सा हो जाता है, इट टेस्ट लाइक रबर, जैसे रबर चबा रहे हैं ऐसे लगता है, ये वैसा नहीं है। तो आप ही देख लो भाजी, आप तीन चार चीजें ट्राई, तीसरी आइटम है ट्राई कर लगे, हो सकता थोड़ा ठंडा भी हो गया है, बट हाले भी चिड़ा नहीं होया। हाँ, चिड़ा नहीं होया, एग्जैक्टली चिड़ा इज द वर्ड। नहीं तो आमतौर पर कोई चिकन जब ठंडा होने की देर आ, वो पहले ही चिड़ा होना शुरू हो जाता। द बेस्ट पार्ट इज के ये बाहर का खाना भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। मैं जब जैसे जिम कंटिन्यूसली जाता था, अब तो थोड़ा मिस हो जाता है बिकॉज वीडियोज रोज डालनी होती है, तो 8 से 9 घंटे एडिट में जाते हैं, बट जब मैं लगातार जिम जाता था तो मेरा रूटीन था स्टीम चिकन खाने का। ये इनका मेन्यू है जी, ये चेक कर लेना और पॉज करके पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना यार, इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोज देखो। अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।
कमेंट करके बताओ अगर कोई ऐसी जगह जहां अभी तक हम नहीं गए वहां हम जाएंगे और वहां का खाना आपको दिखाएंगे. विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन जिंदाबाद रहन साडी यारियां ते जोंदा हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब ते नाले साडा हिंदुस्तान. जय हिंद.